तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्नैपचैट की आईडी कैसे बनाएं। और अगर आप भी स्नैपचैट में अपनी न्यू आईडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चले शुरू करते हैं। तो स्नैपचैट की आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में स्नैपचैट ओपन कर लीजिए। जब आप पहली बार स्नैपचैट ऐप ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है साइन अप, तो स्नैपचैट की आईडी बनाने के लिए साइन अप नाम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू नाम देखने को मिलेगा, तो कंटिन्यू नाम पर क्लिक करना। इसके बाद अलाउ करने के लिए बोलेगा, अलाउ कर दीजिए। उसके बाद फिर से अलाउ, इसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट नाम आ जाएगा। अब जो नाम से आप स्नैपचैट की आईडी बनाना चाहते हो वो नाम डाल दीजिए। जैसे कि हम क्या करेंगे, अपने नाम से बनाएंगे तो हम अपना नाम डाल देते हैं। आप जो नाम से बनाओगे वो नाम यहाँ पे डालना। नाम डालने के बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बर्थडे डेट डालना है। इसके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे डेट्स आ जाएंगी, तो जो भी आपका बर्थडे डेट होगा वो यहाँ पे डालना। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मंथ आएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मंथ डालना है, ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल करके। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है, जो भी आपका बर्थडे डेट का डे होगा, और यहाँ पे डाल देना है ईयर। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो ऊपर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। हे डालने के बाद कंटिन्यू करना। इसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका स्नैपचैट का यूजर नेम आ जाएगा। चाहो तो आप यहीं से चेंज भी कर सकते हो। अगर आपका ही यूजर नेम आपको पसंद नहीं है, यहाँ पे अगर आप बदलना चाहते हो तो चेंज माय यूजर नेम पर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ अलग यूजर नेम डाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको कुछ ये वाला पसंद नहीं तो इस तरीके से डाल सकते हो। जो नहीं अवेलेबल होगा वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हे रहने देते हैं, ठीक है, ये अवेलेबल है, आपको कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना स्नैपचैट का एक पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। जैसे कि हम अपना पासवर्ड रख लेते हैं, जो भी आप रखना चाहते हो वो अपना स्नैपचैट का पासवर्ड रख लेना। और यहाँ पे 8 अंक से ऊपर पासवर्ड रखना, ताकि थोड़ा स्ट्रांग बने और किसी को पता ना चले आसानी से। तो चले हम अपना स्नैपचैट का पासवर्ड रख लेते हैं। तो अभी हमने अपना पासवर्ड रख लिया है स्नैपचैट का, यहाँ पे देख लीजिए, आग पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी देख सकते हो, ठीक है। अब कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद प्रोसेस होगा और इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोन नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अगर आप अपना स्नैपचैट की आईडी मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डाल के फिनिश कर देना। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर से पहले बना चुके हो या फिर मोबाइल नंबर से नहीं बनाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे नीचे यूज ईमेल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देना। और आप यहाँ पे ईमेल आईडी से भी बना सकते हो अपनी स्नैपचैट की आईडी, ठीक है। जैसे कि हम ईमेल आईडी से बना रहे हैं तो ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करना। दोनों प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद प्रोसेस होगा और इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड फ्रेंड पर क्लिक कर देना, या फिर स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देना, ठीक है, यहाँ पे ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपना यहाँ पे फेस कुछ भी लगाना चाहते हो तो कर सकते हो, हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टर्न ऑन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमको मिल रहा है तो टर्न ऑन कर देंगे, अलाउ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से अलाउ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे कैमरा का आइकन है, यहाँ पे देख लीजिए काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, ठीक है, बैक आ जाएंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी स्नैपचैट की आईडी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए हे वाली आपकी स्नैपचैट की आईडी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आपका नेम होगा, स्नैपचैट का यूजर आईडी आ जाएगी, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से आप स्नैपचैट की आईडी बना सकते हो। और यहाँ पे जब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे कैमरा का आइकन है, चार्ट्स, यहाँ पे देख लीजिए आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो भी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो, वीडियो का, म्यूजिक का, काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे कि स्नैपचैट की आईडी कैसे बनाते हैं। हम मिलेंगे नई वीडियो में।